आप देख रहे हैं सामने में विंध्यवासिनी देवी का, ये आपका जाने का मार्ग है, पुरानी वीआईपी मार्ग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्लीट ये मार्ग, फिलहाल आज बारिश हो रही है इस समय, और ये भव्य द्वार देख रहे हैं जिसका निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है, पुरानी वीआईपी मार्ग। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त और दिन है शनिवार का। आज के दिन तक के विंध्य कॉरिडोर में क्या लेटेस्ट अपडेट है उसे इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पुरानी वीआईपी मार्ग से, जहाँ पर भव्य द्वार का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है। तो चलिए बैक कैमरे से शुरू करते हैं वीडियो और दिखाते हैं आपको विंध्य कॉरिडोर का लेटेस्ट अपडेट। जैसा ये आप देख रहे हैं सामने में विंध्य कॉरिडोर का भव्य द्वार, वीआईपी मार्ग। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं आपको लेकर। द्वार जहाँ पर इस द्वार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ से फिनिशिंग का काम चल रहा है, यह है पुरानी वीआईपी मार्ग का। जैसा कि देख रहे हैं बारिश के कारण चारों तरफ आपको एक चीज और यहाँ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर नाली का निर्माण के लिए सफाई कार्य भी हो रहा है। यह आप देख रहे हैं जिस प्रकार, ये है पुरानी वीआईपी मार्ग। हाँ, दोनों तरफ आपको मैं दिखाऊं तो जितने भी दुकानें टूटी हुई थी उन दुकानों पर आकर्षक डिजाइन तैयार की जा रही है। या देख रहे हैं दुकानें एक ही डिजाइन में तैयार की जा रही है फिलहाल। आगे ही देख रहे हैं आप कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर। मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ भी द्वार का निर्माण कार्य फिलहाल ये चल रहा है, सामने में ही विंध्य कॉरिडोर, और ये पिलर खड़ा किया जा रहा है और इसमें पत्थर, जैसा कि द्वार बनाने के समय उपयोग किया जाता है, सभी दृश्य आप देख रहे हैं विंध्य कॉरिडोर का लेटेस्ट अपडेट 5 अगस्त का। ये आप देख रहे हैं मंदिर का पुराना यज्ञशाला है यहाँ पे, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये अब सफाई का काम यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं सिर्फ मिट्टी को लेवल कर दिया गया है, यानी कि काम में काफ़ी तेजी है। जितना भी आप देख रहे हैं सब फिनिशिंग का काम यहाँ पर चल रहा है फिलहाल, और ये सामने की तरफ पुरानी वीआईपी मार्ग से आएंगे तो इस प्रकार का कुछ दृश्य है। और ये आपका परिक्रमा पथ के नीचे का दृश्य, यहीं पर सामने में ही आपका ये लिफ्ट, एक यहाँ ये लिफ्ट बन रहा है, पूरे आपको परिक्रमा पथ में एक लिफ्ट का निर्माण कार्य चल रहा है।
और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोर में आपका टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं ये नीचे में अब परिक्रमा पथ के नीचे में फिनिशिंग का काम। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। आप देख रहे हैं बाहर का दृश्य है जहाँ पर अब लेवलिंग का काम चल रहा है, और इस तरफ अंदर की तरफ मैंने आपको दिखाया ये फ्लोर का काम नीचे की तरफ। तो चलिए अब आगे आपको ले चलते हैं इस परिक्रमा पथ के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी तेज गति से यहाँ पर अब नीचे की तरफ भी निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए पहले नीचे का कंप्लीट आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ और उसके बाद आपको मार्गों का दृश्य दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं भव्य कॉरिडोर। आप देख रहे हैं मंदिर का दृश्य है, और मैं आपको अब मंदिर के छत के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ से आपको इस परिक्रमा पथ का भव्य कॉरिडोर का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये आप देख रहे हैं सामने की तरफ विंध्य कॉरिडोर, इसका करीब करीब 80% काम हो चुका है। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये है मंदिर। चलिए दोस्तों आपको ऊपर की तरफ ले चलता हूँ मंदिर के छत पर, और वहाँ से मैं आपको ये परिक्रमा पथ का दृश्य दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं मंदिर के छत पर से। चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं इस मंदिर का, और इस तरफ आप देख रहे हैं मंदिर के छत के ऊपर से किस प्रकार ये परिक्रमा पथ दिखाई देता है। काफी भव्य दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं मंदिर के शिखर, बीच में एक गर्भगृह है। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ यहाँ से। ये आप देख रहे हैं अष्टकोणी परिक्रमा पथ, जहाँ ऊपर में आपको आठ कोणों पे ये दो दो आपको शिखर दिखाई देगा, और ये भव्य शिखर रात के अंधेरे में इसमें रोशनी की जाएगी और काफ़ी ज़ोरदार ये दिखाई देगा। ये 16 शिखर आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, आठ कोणों पर दो दो बना हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने में ही इस तरफ दो है और इस तरफ दो, और ये इस तरफ आप दो दिख रहे हैं। इसी प्रकार दो दो करके ये भव्य शिखर बनाया जा रहा है। जैसा कि आज बारिश हो चुका है, जिसके चलते आप और बारिश के चलते थोड़ा सा अंधेरा भी है। और ये आप देखना है ये मंदिर बीचों बीच, और इस तरफ चारों तरफ मैं आपको घुमा कर दिखाऊं तो ये परिक्रमा पथ कुछ इस प्रकार दिखाई देता है।
यहाँ देखेंगे छत पर तो ये काफ़ी विशाल पीपल का पेड़ है और नीम का पेड़ यहाँ पर है। इस मंदिर परिसर में माँ विंध्यवासिनी देवी का ये भव्य मंदिर, क्या देखें मंदिर के भीतर का दृश्य है। यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार मंदिर के भीतरी दृश्य को आप देख रहे हैं, काफी भव्य दिखाता है। श्री सरस्वती जी की प्रतिमा है सामने की तरफ और सामने में ही आपका माँ विंध्यवासिनी देवी का भव्य दरबार और ये बाहरी दृश्य मंदिर परिसर में ही। काफी शानदार पुराने नक्काशी इन मंदिरों में, इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये है मंदिर का मुख्य गर्भगृह सामने की तरफ। जय माँ विंध्यवासिनी। काफी बड़े बड़े पुराने जमाने के पीतल के घंटे हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं और कॉरिडोर का एक बार दृश्य मैं आपको दिखाऊं। ये सभी दृश्य आपने देखा मंदिर परिसर के अंदर का। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आपको गंगा द्वार की तरफ ले चल के और वहाँ का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। फिलहाल आप ये देख रहे हैं मंदिर के बाहर कॉरिडोर का दृश्य। काफ़ी तेज गति से फिनिशिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं पत्थर भी लाया हुआ है, अलग अलग डिज़ाइन के पत्थर हैं सभी। सामने देख रहे हैं ये मार्ग है आपका गंगा द्वार की तरफ जाने वाला मार्ग। तो चलिए यहाँ का आपको दिखाते हैं अपडेट, क्या लेटेस्ट अपडेट है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ तक नीचे में पत्थर बिछाने का काम कंप्लीट हो गया है और इस प्रकार दोनों तरफ ये देखेंगे तो ये पिलर निर्माण कार्य चल रहा है। ये आप देख रहे हैं ये है गंगा द्वार जाने वाला पक्का घाट जाने वाला मार्ग। मैं आपको दिखाऊं तो चेन के द्वारा इस प्रकार बड़े पत्थरों को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। और सामने में ये आप देख रहे हैं भव्य गंगा द्वार। ये भी द्वार आप देख पा रहे हैं आधा से ज़्यादा इस द्वार का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। ये है आपका पक्का घाट जाने वाले मार्ग में स्थित गंगा द्वार। चलिए सामने चलते हैं आपको पक्का घाट की तरफ लेकर। ये आप देख रहे हैं ये है तुम जा
देख रहे हैं बाढ़ जैसी स्थिति है। ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पर स्थित पक्का घाट की, जहां पर बाढ़ की स्थिति फिलहाल ये दिखाई देती है और घाट की सीढ़ियां पूरी तरीके से यहां पर नीचे की तरफ से ऊपर जाती हुई, और ये है माँ गंगा का विशाल फैलाव। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस घाट पर पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा। ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं पक्का घाट का, सामने में ही आपका भव्य द्वार। चलिए दोस्तों, अब इस दृश्य के साथ आगे की तरफ चलते हैं, कॉरिडोर के अंदर लेकर प्रथम तल पर। यह आप है गंगा द्वार से आगे की तरफ आप आएंगे कॉरिडोर की तरफ, तो यहाँ भी इस प्रकार द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना निर्माण कार्य हुआ है। चलिए अब चलते हैं आपको परिक्रमा पथ के अंदर की तरफ लेकर। यह आप देख रहे हैं ये बाहर से सामने में ही भव्य माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर और चारों तरफ परिक्रमा पथ। इधर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे की तरफ परिक्रमा पथ के इस प्रकार टाइल्स लगाने का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये नीचे का ही आपका दृश्य है परिक्रमा पथ के। जैसा कि नीचे में आप देख रहे हैं इस प्रकार टाइल्स लगने के बाद काफी भव्य दिखाई देता है। तो ये नाली देख रहे हैं कॉरिडोर के किनारे किनारे से इस प्रकार नालियों का निर्माण कार्य।
चलिए दोस्तों अब प्रथम तल पर ले जाता हूँ आपको। ये है प्रथम तल का दृश्य, जहाँ क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो दिखाने के बाद आपको छत पर ले चलेंगे। ये फिलहाल आप प्रथम तल का दृश्य देख रहे हैं। काम यहाँ भी करीब करीब फिनिशिंग की ओर है। यह देखें न्यू वीआईपी मार्ग, इस मार्ग का नीचे की तरफ आप दृश्य देख रहे हैं और किनारे की तरफ जितने भी भवन हैं उन सभी भवनों में आकर्षक डिजाइन की जा रही है। और ये नीचे आप देख रहे हैं ये कॉरिडोर का इतना भाग बचा हुआ है, उस भाग को कंप्लीट किया जा रहा है। और इस तरफ आप देखेंगे आगे की तरफ तो ये है पुरानी वीआईपी मार्ग। ये आप देख रहे हैं ये है पुरानी वीआईपी मार्ग। और इस मार्ग से जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर द्वार का भी निर्माण कार्य चल रहा है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ ये भाग कॉरिडोर का पूरा किया जा रहा है, समतल करके मिट्टी को। इस जगह भी अब निर्माण कार्य होगा और ये परिक्रमा पथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इतना ही भाग छूटा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। चलिए अब चलते हैं, आपको एक बार परिक्रमा पथ का पूरा दृश्य मैं दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं ये है कोतवाली मार्ग से आने पर बीच वाला दृश्य, वहाँ भी किस प्रकार निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ सब में इस प्रकार की खिड़कियाँ लगेंगी और इन खिड़कियों से माँ विंध्यवासिनी देवी का भव्य मंदिर इस प्रकार दिखाई देता है। और बाहर से आपको मैं दिखाऊं तो ये है परिक्रमा पथ। एक बार इस तरफ से भी मैं आपको दिखाऊं तो इस एंगल से आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखता है मंदिर और परिक्रमा पथ का। चलिए दोस्तों अब आपको मैं छत पर ले चलता हूँ और वहाँ से छत पर से आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ इस परिक्रमा पथ का। फिलहाल ये नीचे का आपने देखा प्रथम तल का किस प्रकार यहाँ काम चल रहा है। यहीं पर सीढ़ी है और उस सीढ़ी के द्वारा हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ बाहर की तरफ का काम चल रहा है पत्थर लगाने का। और ये भी आपको सीधे छत पर ले जाएगा। काफी तेजी से काम हुआ है। ये 7 दिन बाद आपको ये नई वीडियो
के द्वारा मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे अलग अब काम यहाँ पर शुरू हुआ है। यह है छत का दृश्य जहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊँ तो फिनिशिंग का काम अपने अंतिम चरण में है। जितने भी ये शिखर यहाँ पर, उन शिखरों को अब कंप्लीट किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं परिक्रमा पथ, छत के ऊपर से काफ़ी कुछ तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से ये आप शिखर देख रहे हैं। ये शिखर आपको अष्टकोणी भाग में हर एक कोण पर दो दो आपको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 16 शिखर निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है और ये मंदिर का खूबसूरत और भव्य दृश्य। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल अभी लंच टाइम है और ये लंच टाइम में आप ये दृश्य देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब नीचे की तरफ चलते हैं छत से। एक बार फिर मैं आपको इस तरफ से यह दृश्य दिखाऊं मंदिर का। ये पूरा मैंने आपको दिखाया गोल घूमकर ऊपर ही ऊपर। थोड़ा सा भाग जो बचा हुआ है वो इस तरफ है पुरानी वीआईपी मार्ग पर, बाकी ये कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये है पुरानी वीआईपी मार्ग नीचे की तरफ सामने, और ये मंदिर का कुछ हिस्सा कॉरिडोर का ये बचा हुआ है परिक्रमा पथ का, जिसका कि निर्माण बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ये है परिक्रमा पथ। मैं आपको एक बार पूरा 360 में घुमा कर दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं बीच में मंदिर और ये परिक्रमा पथ चारों तरफ।
चलिए अब चलते हैं आपको लेकर नई वीआईपी मार्ग। चलिए दोस्तों, नई वीआईपी मार्ग का आपको मैं दृश्य दिखाता हूँ। ये सामने देख रहे हैं, ये मार्ग सीधे चले जाएगा आगे, नई वीआईपी मार्ग भव्य द्वार जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए वहाँ का आपको दृश्य दिखाता हूँ, कितना निर्माण कार्य हुआ है नई वीआईपी मार्ग में। सामने देख रहे हैं कुछ कॉरिडोर की तरफ इस प्रकार का दृश्य है। यहाँ देखेंगे तो ये दुकानें, आधा से ज़्यादा मार्ग को घेरा हुआ है ये ठेले वालों ने। और सामने आप देख रहे हैं न्यू वीआईपी मार्ग में स्थित भव्य द्वार, सबसे पहले द्वार जिसका निर्माण हुआ है वो द्वार है पुरानी वीआईपी मार्ग का। और ये है आपका न्यू वीआईपी मार्ग में स्थित बन रहे भव्य द्वार का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना निर्माण कार्य हुआ है। चलिए आपको बाहर से भी दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है न्यू वीआईपी मार्ग।